नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज इतनी बड़ी है कि आप सबकी ब्रेकें भी फेल हो जाएंगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धरने की। वो धरना किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि लगाया है एक मोवाली ने, एक जुआरी ने और एक बेवड़े ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक शराबी की जो कि सरकार से खफा होकर एक धरने पर बैठ चुका है। जी हाँ, हम जानने वाले हैं आज उस नौजवान से कि आखिर वो इस धरने में क्या कर रहा है और उसकी क्या क्या मांगे हैं। जी तो बेवड़ा जी, मेरा मतलब है नौजवान जी, तो आपकी सरकार से क्या डिमांड है, आपकी डिमांड क्या है? देखिए, हमने यहाँ पे चकना चुकना नहीं है, वो आप बताइए। चकना कितने चकना? मैंने यार मैं नहीं थी पी है ना, चकने के चले आप। देखिए देखिए नौजवान जी, आप एक बदतमीजी पे उतरे हुए हैं, प्लीज बदतमीजी करना बंद कीजिए। बदतमीजी, मैं नौजवान लग रहा हूँ, तीसरा रोम है मेरी। जी भैया जी, तो भैया जी मैं यूपी से भैया जी, पाजी बोल रहे पाजी। जी पाजी, तो पीछे पीछे जी लगा, मेरा मतलब है जी पाजी। तो जी पाजी पीछे जी लगा, पाजी बोल रहे। अच्छा पाजी, वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप सरकार से खफा क्यों हैं? पहले मैं एक चीज बताऊँ, कैसे मुंह वाले तुम लोगों ने कहाँ पे रखे हुए हैं? लोगों को काम नहीं मिल रहा, देखो कौए कहाँ पे लगाए हुए। ये देखिए, आप बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी टॉलरेट नहीं की जा सकती। मेरी बात सुनो, आई लव मोदी, आई लव इंडियन गवर्नमेंट एंड आई ऑल्सो लव यू। आई लव यू टू भाई। मैं कहना चाहता हूँ ये हमारे मोदी जी से, तो मोदी जी पहले आप शादी करो, ठीक है, तब आपको हमारा जन्म समझ में आएगा, ठीक है। मैं पैसे लाके इनको फिर हमारा जन्म समझ में आएगा। देखो ये जो लेके आए हैं स्कीम, क्या नाम उसके, अग्निपथ, तो ये अग्निपथ, ये अग्निपथ। तो मैं फिर क्या कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे आप अग्निपथ लेके आए हो वैसे ही आप एक नई योजना लेके आओ। नई योजना कौन सी? उसका नाम रखो शादी पथ। शादी पथ? हाँ शादी पथ। शादी पथ में क्या होगा, उसमें 4 साल के लिए आपकी शादी वैलिड होगी, ठीक है, और 4 साल के बाद आपकी शादी एक्सपायर। पुरुषों को हक मिलना चाहिए कि शादी कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। और मैं लिख के रहता हूँ ये बजरी के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर मैं लिख के रहता हूँ, 100 में से 120 बंदे एग्री करेंगे इस बात पर। आपने जो यहाँ पे लिखा है ये तो बारिश के बाद मिट जाएगा यहाँ से। तेरे को क्या लेना देना, मेरी बात पे कॉन्सेंट्रेट कर, बजरी पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? जी जी जी, सीमट मुंह वाले। जी जी बोलिए। मैं कह रहा था 100 में से 120 बंदे मना कर देंगे, और 20 बंदे वो होंगे जिनकी शादी भी नहीं हुई और वो पहले ही मना कर देंगे, बोलेंगे यस यू आर राइट, आई विल नेक्स्ट पीएम, यस। लेकिन जैसे आपने बताया 100 में से 120, 120 कैसे हो जाएंगे 100 में से? तुमको बता तो दिया यार कि ऐसा बंदर रखा है तुमने, हैं लगने जा पे लग पेड़ के साथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने चैनल पे। तो जैसा कि आपने देखा इस नौजवान ने, जो कहने का मतलब है भैया ने, जैसा कि आपने देखा है भैया ने, पाजी ने बताया कि एक नई स्कीम लेकर आनी चाहिए, वो है शादी पथ, जिसमें कि बताया है उन्होंने कि 4 साल के बाद शादी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। जी हाँ, ऐसी और न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जी कैमरा बंद कर दिया, कैमरा मैन आजा कैमरा मैन तू भी, अरे इसको लाइट तो बंद कर दे। अरे भाई यार तू मेरा